पुलिस कर्मियों के सम्मान में सजी जश्न की शाम। बॉलीवुड सितारों ने किया बहादुर पुलिस कर्मियों का सम्मान। उमंग अवार्ड्स 2023 में लगा सितारों का मेला। ब्लैक सूट बूट में बादशाह खान आए, दबंग स्वैग दिखाकर सुल्तान सलमान भी छाए। सभी की जुबान पर है बॉबी और रणबीर के ब्रोमांस का किस्सा। तो बॉलीवुड बेब्स ने भी रेड कार्पेट पर गिराई हुस्न की बिजलियां। दीपिका, कियारा, आलिया, कृति, बॉलीवुड की कुड़ियों पर से किसी की नजर ना हटी। जी हाँ, मुंबई में शनिवार की शाम बॉलीवुड के ग्लिट्स और ग्लैमर से रोशन हुई। मौका था उमंग अवार्ड्स नाइट का। दरअसल हर साल 23 दिसंबर को पुलिस कर्मियों के सम्मान में उमंग अवार्ड्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरा बॉलीवुड देश के बहादुर पुलिस कर्मियों का सम्मान करता है। तो बीती रात भी उमंग अवार्ड्स 2023 में बॉलीवुड सितारों का मेला देखने को मिला, जिसके विजुअल्स अब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से लेकर सुल्तान सलमान तक, बाजीराव रणवीर सिंह से लेकर मस्तानी दीपिका पादुकोण तक, रणबीर कपूर से लेकर आलिया भट्ट तक, तमाम सितारे इस खास शाम को रोशन करने पहुंचे। तो चलिए आपको दिखाते हैं उमंग अवार्ड्स 2023 की महफिल किन किन सितारों से रोशन हुई। सबसे पहले देखिए बॉलीवुड के करण अर्जुन, सलमान खान और शाहरुख खान की एंट्री। बॉक्स ऑफिस पर अपनी नई रिलीज फिल्म डंकी से धूम मचा रहे शाहरुख खान बीती रात रेड कार्पेट पर हैंडसम लुक में पहुंचे। व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक सूट बूट पहने, बालों की छोटी सी पोनी बनाए और आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए शाहरुख ने रेड कार्पेट पर एंट्री की, तो हर निगाह शाहरुख पर ही टिकी रह गई। शनिवार को बिग बॉस में वीकेंड का वार करने वाले सलमान खान बीती रात उमंग अवार्ड्स का हिस्सा बने। अपने चिर परिचित स्टाइल में सलमान ने पूरे स्वैग के साथ रेड कार्पेट पर एंट्री की। मिस्टर एंड मिसेस कपूर यानी कि आलिया भट्ट और रणबीर भी इस महफिल की शान बढ़ाने आए। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग रेड कार्पेट पर पहुंचे, जहां आरके ने बॉबी देओल के साथ एनिमल रीयूनियन किया। बॉबी और रणबीर का ये ब्रोमांस अब खूब चर्चा में छाया है। तो वहीं मिसेस कपूर यानी कि आलिया भट्ट ने अपने रणबीर के बिना ही अपने कूल लुक से तारीफें बटोरी। आलिया ने फ्लोरल प्रिंट का फॉर्मल सूट पहना था, जिसमें वो काफी प्रीटी लग रही थी। बॉलीवुड के बाजीराव मस्तानी लंबे वक्त बाद किसी पब्लिक इवेंट का हिस्सा बने। ब्लैक टक्सीडो पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए रणवीर रेड कार्पेट पर आए और कुछ इस अंदाज में कैमरों की सारी अटेंशन चुरा ले गए। मिस्टर सिंह की मिसेस सिंह ने भी इस अवार्ड नाइट में बिजलियां गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दीपिका अवार्ड नाइट में रॉयल ब्लू कलर की बनारसी साड़ी पहनकर पहुंची थी, जिसमें वो बेहद रॉयल लग रही थी। तो इसी साल शादी के बंधन में बंधे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी भी हमारे कैमरों में कैद हुए। सिद्ध कियारा ने ब्लैक आउटफिट्स में कलर ट्विनिंग की हुई थी। ब्लैक कलर की साड़ी के साथ बैकलेस ब्लाउज पहने कियारा भला की खूबसूरत लग रही थी। पंजाब की कटरीना यानी कि शहनाज गिल को भी हमने रेड कार्पेट पर स्पॉट किया। शहनाज के आउटफिट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवार्ड नाइट में उन्होंने डांस परफॉर्मेंस भी दी थी। नेशनल अवार्ड विनर कृति सेनन भी इस अवार्ड नाइट का हिस्सा बनी। ब्लैक एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन की साड़ी पहने कृति परम सुंदरी लग रही थी। रेड कार्पेट पर कृति ने जमकर अपनी अदाएं दिखाई और तारीफें बटोर ले गई। और अब देखिए बिजली गर्ल पलक तिवारी का रेड हॉट अवतार। हमेशा अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक से कैमरों का अटेंशन ग्रैब करने वाली पलक यहाँ लाल साड़ी पहनकर पहुंची थी। माथे पर लाल बिंदी, कानों में झुमके, बालों में लाल गुलाब लगाए श्वेता की लाडली गजब की खूबसूरत दिखी। कौशल ब्रदर्स विकी और सनी कौशल को भी हमने यहाँ स्पॉट किया। सैम बहादुर विकी बेहद डैशिंग लग रहे थे, हालांकि इस मौके पर उनकी ब्यूटीफुल वाइफ कटरीना की कमी सभी को खूब खली। बॉलीवुड के शहजादा कार्तिक आर्यन ने भी उमंग अवार्ड्स 2023 में शिरकत की। रेड कार्पेट पर कार्तिक काफी सीरियस मूड में नजर आए। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी हमने यहां स्पॉट किया। इनके अलावा एक्टर जैकी श्रॉफ, म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक, दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान, बॉलीवुड की क्यूट जोड़ी रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, तब्बू, पूजा हेगड़े, रैपर बादशाह भी इस खास शाम का हिस्सा बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।